बहुत समय पहले की बात है, किसी स्थान पर एक महात्मा पर्णकुटी बनाकर निवास करते थे। महात्मा बहुत सीलवान, परम दयालु और निष्प्राही थे। जहां वे एक ओर एकांत में एकाग्रचित होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने पास आने वाले दुखी लोगों के दुख का निराकरण भी अवश्य करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा कार्य से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने के लिए एक देवदूत को धरती पर उनके पास भेजा। महात्मा ने देवदूत का हृदय से सत्कार किया और उनसे उनके आर्य का कारण पूछा। देवदूत ने उनसे कहा, महात्मन, ईश्वर आपकी भक्ति और सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न है, इसलिए वे आपको वरदान में कोई दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास यह पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जब महात्मा ने रोग मुक्त करने की शक्ति लेने से मना कर दिया, तो देवदूत ने उनसे कहा, तो आप दुष्टों को सद्मार्ग पर लाने की शक्ति ग्रहण करें। महात्मा ने पुनः यह कहकर विनम्रता से शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों को सद्मार्ग पर लाना आप जैसे देवदूतों का काम है। देवदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इन शक्तियों को लेने से मना कर दिया था। वे उनकी भक्ति भावना और अनासक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मन, आपने तो मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञा अनुसार मैं आपको कोई शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग नहीं लौट सकता। कृपया आप कोई शक्ति अवश्य स्वीकार कीजिए। महात्मा कुछ देर तक विचार मग्न रहे, फिर उन्होंने देवदूत से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि भगवान मुझसे जो भी शुभ कर्म करवाना चाहते हैं वे बस होते चले जाएं। मैं जहां से भी गुजरूं वहीं पर लोग रोग मुक्त होते चले जाएं। देवदूत ने कहा, ऐसा ही हो, और उसने महात्मा की परछाई को रोग मुक्त करने की शक्ति से संपन्न कर दिया। फिर वे वहां से चले गए। इधर महात्मा जहां भी जाते वहीं लोग स्वस्थ होते चले जाते। ना तो महात्मा को और ना ही लोगों को कभी यह पता चल पाया कि कैसे उनके कष्ट दूर हो गए। महात्मा को कभी इसका बोध नहीं हो पाया कि वह ईश्वर के कितने करीब थे। सेवा तभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले मनुष्य के मन में जरा भी अभिमान ना रहे। एक मशहूर कहावत है कि जब दान दिया जाए तो उसे इस तरह दिया जाए कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। अभिमानी रहते सेवा संभव नहीं है। जो सेवा के बदले नाम की चाहत रखता है वह कभी सेवा कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि कृतज्ञता का गुण प्रत्येक मनुष्य में होता ही नहीं, और प्रशंसा ना मिलने पर वह सेवा कार्य छोड़ बैठेगा। याद रखिए, सहानुभूति, दया और उदारता के बिना सेवा संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो मनुष्य जाति की सेवा करता है वह ईश्वर की ही सेवा करता है। एक बहुत ही महान संत, संत वासिल ने भी कहा था, एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से। एक अच्छा काम कभी गुमनाम नहीं रहता। जो सम्मान का बीज बोता है परिणाम में मित्रता की फसल काटता है, और जो दया को रोपता है बदले में प्यार पाता है।